आईटी सेक्टर में सर, आईटी सेक्टर में टीसीएस इंफोसिस हैवीवेट शेयर है, बट टीसीएस इंफोसिस इनफैक्ट आईटी शेयर भी, आईटी सेक्टर ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ये भी बहुत अच्छा चलने वाला है। तीसरा सेक्टर फार्मा सेक्टर है, बट फार्मा सेक्टर को अभी फिलहाल मैं लॉन्ग टर्म में नहीं पकड़ रहा हूँ, फार्मा सेक्टर को मैं शॉर्ट टर्म में पकड़ता हूँ। फरवरी मार्च तक के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो आप आईटी सेक्टर के अंदर में धीरे धीरे अपनी पोजिशन बनाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आप आईटी सेक्टर में आप इन्फोसिस देखो, टीसीएस देखो, माइंडट्री देखो, वो धीरे धीरे इसने रिकवरी के हिसाब से लिया, अपनी बॉटम फॉर्मेशन इसने जैसे सेप्टेम्बर लास्ट वीक में इसने किया है, और उसके हिसाब जिस हिसाब से इसने रैली पकड़ी है, स्लो बट इसने स्टेडी रैली पकड़ी हुई है, और ये रैली अभी फिलहाल कंटिन्यू रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल एंड यूएस का और यूरोपियन कंट्रीज का थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता ही है, बिकॉज हमारे आईटी सेक्टर की जो मेजर रेवेन्यू होती है वो हमारे यूएस और यूरोप से आती है, तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है, डॉलर का इंपैक्ट पड़ता है, बट वही डॉलर का इंपैक्ट अगर हम देखें तो सामने पाउंड के सामने हमारा रुपया बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन सबको लेकर के एक रैली बनी हुई है और ये रैली फिलहाल अभी कंटिन्यू रहेगी। इन्फोसिस और टीसीएस में बात करूं, देखो अपने कहीं ना कहीं अपने ब्रेकआउट जोन में है, इन्फोसिस 1630 रुपए का ब्रेकआउट जोन के आसपास में खड़ा है और टीसीएस 3430, तो तीनों दोनों के अंदर में 30 का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट नंबर है, 3430 एंड 1630, तो ये नंबर जो है कहीं ना कहीं एक इंडिकेट कर रहा है कि इसके ऊपर जब चलना शुरू होगा तो एक बड़ी रैली जो है वो बहुत तेजी से दिखाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, बट मुझे लगता है आईटी सेक्टर बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करने जा रहा है आने वाले समय में। सो आईटी सेक्टर में आप इन्फोसिस टीसीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर में आप सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, और भी कई सारे मिड कैप स्टॉक्स में कई सारे हैं, उन सबको आप पकड़ सकते हैं, बट फार्मा स्टॉक्स को आप फरवरी मार्च तक से ज्यादा का टारगेट मत रखें, क्योंकि फार्मा स्टॉक में अभी वो पोजीशन नहीं बनी है जिसके अंदर में लंबी रैली मुझे देखने मिले, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसके अंदर होल्ड करने को लूं। तो अभी फिलहाल फार्मा पे थोड़ा आगे के लिए रखते हैं, इंतजार करते हैं उसको और समझने का, लेकिन आईटी के अंदर में अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं नितिन सर की बनना शुरू हो गई है और दिख रहा है, चार्ट ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब सपोर्ट ले लिया है, अब ये कमजोरी इसके नीचे नहीं गई, वहां से संभल रहा है, एक छोटी रेंज के अंदर में है, और अब वो शायद आगे चल करके अगर थोड़ा समय और देंगे तो ये रेंज को ऊपर की ही तरफ कहीं ना कहीं तोड़ता हुआ दिख रहा है। इंफोसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब वो डब्लू नीचे दिख रहा है, या जो भी आप उसको कहें सर, इसको डबल बॉटम कहते हैं कुछ की कुछ और कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल सर, आप डबल बॉटम आप इसको बोल सकते हैं। इनफैक्ट डबल बॉटम के अंदर में सबसे अच्छी बात ये रही कि इसने जो सेकंड बॉटम बनाया था वो फर्स्ट बॉटम से जस्ट माइनर सा डाउन होकर बनाया, जो कि वहां से एक रिकवरी बनाया था, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है टेक्निकल चार्ट पे कि एक सपोर्ट बन गया है। और दूसरा नंबर्स पे भी इसने 1360 के आसपास जैसे सपोर्ट बनाया था, तो नंबर भी जो थे वो 1350 के आसपास खड़े हो रहे थे नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सपोर्ट बनना था, क्योंकि ये सपोर्ट अगर नहीं बनता तो हो सकता था इन्फोसिस 1100 रुपए तक फिसल सकता था, बट नंबर्स की भी अपने एक इंपॉर्टेंस होती है, उसे 1360 के आसपास सपोर्ट लिया और वहां से इसने रिबाउंड करके इन्फोसिस आज करीबन 1580 के आसपास है, 1630 का हमारा ब्रेकआउट जोन है, और मुझे लगता है ये शायद हो सकता है दिसंबर फर्स्ट वीक तक में मैक्सिमम ये 1630 के लेवल को पार कर जाएगा, हो सकता है शायद आज मैं बात कर रहा हूँ कल ही पार कर जाए, बिकॉज कई बार मैं देखता हूँ कि मेरी बात सुन के जो सो अचानक से जो सो ब्रेकआउट आ जाता है, एक दो बार मैंने देखा है इसे, तो हो सकता है कल परसों में 1630 पार कर जाए, और 1630 पार करने के बाद तो इसके लिए 1800 का लेवल बहुत नजदीक का लेवल हो जाएगा। बट लॉन्ग टर्म नजरिए से आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, बहुत बढ़िया स्टॉक है, 2 साल के अंदर मुझे लगता है ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3000 का लेवल पार कर जाएगा। ये है राइट, और निश्चित रूप से वो दिख भी रहा है जिस तरीके की, एक खबर चाहिए, एक पॉजिटिव खबर, एक अच्छा सा ट्रिगर, कहीं यूएस ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ बता दिया कि अब चीजें बेहतर हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट का डेटा हो, इन्फ्लेशन का डेटा हो, किसी भी चीज का कुछ भी, एक खबर किसी भी दिन वहां से आई, एक बयान आया किसी का भी, और ये ब्रेकआउट देखेगा जो नितिन सर बता रहे हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से कंजर्वेटिव तरीके से थोड़ा सा दूर के या एक महीने की बात कर रहे हैं वो दिसंबर की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर शुरू हो पाएगा और उससे पहले ये मुझे लगता है कि ये उसके ऊपर निकल जाएगा, तो वो वाले लेवल से दिखता है, लेकिन एक वो वाला जो तरीका एक सिस्टम होता है कि हाँ थोड़ा सा हम अपनी तरफ से जो कोशिश करते हैं थोड़ा सेफ साइड या कंजर्वेटिव तरीके से, क्योंकि कल कोई नाराज ना हो कि कहे आपने कहा था कि एक हफ्ते में होगा और वो 2 हफ्ते लग गए, तो वो नाराजगी ना देखनी पड़े, तो आप टाइम फ्रेम आप मन बना करके चलिए 1 महीने का कि उसके बाद से, लेकिन हो सकता है कि वो 1 हफ्ता भी ना लगे और वो चीजें आ जाए। ठीक है, बढ़िया है सर, आईटी के अंदर में वापस से नजर। और एक और चीज जो आप कह रहे थे आईटी सेक्टर पे या यूएस यूरोप से जो हम रिसेशन जैसी वाली चीजों की बात कर रहे थे, लेकिन उसका जो बड़ा असर है वो आईटी की छोटी कंपनीज पे है या न्यू एज बिजनेसेस जिसको कहते हैं वहां पे,
ये जो बड़ी कंपनीज हैं काफी हद तक इंसुलेटेड हैं, या कह लीजिए उसके अंदर में वो फैक्टरिंग हो चुका है, तो बाजार के अंदर या शेयर प्राइस के अंदर में वो फैक्टरिंग हो चुका है, तो बाजार आगे चलता है, तो वो रिसेशन को देख चुका था, उसके अंदर हो चुका था, अब चीजें आगे बढ़ना है। ठीक है सर।